हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपका वेलकम है वीकली आंसर्स के वीडियो में। मैं वीकली आंसर्स वीडियो में डिस्कस करता हूं कि पूरा आगे आने वाला वीक जो कि आपका शुरू हो रहा है 12th ऑफ दिसंबर से 16th ऑफ दिसंबर तक के लिए, पूरा मार्केट कैसा रह सकता है, मार्केट में क्या सेंटिमेंट हो सकते हैं, मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, मार्केट को क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट कर सकती हैं, वो सब प्रॉपर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और आप अगर मेरे साथ पुराने काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि वीकली एनालिसिस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक हमारा सेंटिमेंट होता है, सिग्नल बता देता है कि मार्केट कैसा रह सकता है। और इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप पुराने वाले वीडियोस देखिए, मार्केट को देखिए कि हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी कि मार्केट का जो हम एक आउटकम निकालते हैं डेटा को देख करके, चार्ट को देख करके, ग्लोबल सेंटीमेंट को देख करके और वीकली एनालिसिस में हम वही सब चीज़ें डिस्कस करते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और आपको इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है। और आप अगर नए हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आप इसको कंटिन्यू देखिए, इसमें चीज़ों को नोट करिए, नोट्स बनाइए, फिर उसको आप जा करके बैक टेस्ट करिए, देखिए किस तरीके से काम कर रही हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके अपने उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को तो दबाना तो मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आप मेरे ट्विटर हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव चार्ट शेयर करता रहता हूँ, अच्छे कोई भी अपडेट होती है उसको मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको देख करके बेनिफिट आप उठा सकते हैं। प्लस आप अगर चाहें तो कुछ उसमें अपना कुछ ट्रेड करके, लेकिन ट्रेड तभी करिएगा जब आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच कर जाए, और इसके बावजूद भी आप खुद की एनालिसिस यूज़ करिएगा, देन उसके बाद ही आप उसको आप ट्रेड करिएगा। इससे आपका क्या होगा कि एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, प्लस लर्निंग, देखिए मैं आपके टोटल लर्निंग भेजता हूँ तो आपको क्या होगा एक लर्निंग मिलेगी कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। लाइव मार्केट में क्या होता है, मैं यहाँ पे प्री मार्केट में वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, बट लाइव मार्केट में क्या होता है कि कोई कोई न्यूज़ निकल के आ जाती है या फिर कुछ प्राइस चेंज हो रहा होता है, डेटा चेंज हो रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है अपडेट में देता हूँ, तो वहाँ पे आप जरूर अपडेटेड रहिए और उसको फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। अब एक चीज़ याद रखिए कि मैं इसमें डिस्कस क्या करता हूँ, हम प्री मार्केट एनालिसिस के साथ साथ, अभी प्री मार्केट वाला शाम को वीडियो आएगा, मैं अभी इसमें सिर्फ वीकली डिस्कस करूँगा, तो वीकली एनालिसिस का वीडियो इसमें हम प्रॉपर डिस्कस क्या करते हैं, इसमें हम टोटली डिस्कस करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या बोल रहे हैं, इन तीनों का एक आउटकम निकालते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा मार्केट में कुछ रह सकता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले डेटा को। देखिए अब ये जो डेटा है निफ्टी का वीकली एनालिसिस का, मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये क्यूमुलेटिव वाई डेटा है और ऑप्शन चैन का डेटा है। ऑप्शन चैन मतलब जो नए लोग हैं उनको पता होगा कि ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में क्या पोजीशंस बनी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। निफ्टी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्टॉकेज प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज करिए। देखिए अब आपको अगर पुराना वाला वीडियो याद हो, देखिए मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे पुराने वाले वीडियो का एक मैंने यहाँ पे पॉज करके रखा है, ये कि ये प्री मार्केट था 9th दिसंबर के लिए। अब इसमें आप देखिए 18,500 पे सेम वही चीज है, 18,500 पे पुट में ओआई क्या है, 1,17,00,000। ओके, 1,17,00,000। अब 1,17,00,000 का जो ओआई था, यहाँ पे काउंट करिए, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000, तो 1,17,00,000 का जो 1,17,00,000 का जो ओआई था पुट में, आज अभी देखिए वो क्या है। ओके, जरा इसको देखिए थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा, देखिए क्या है, 81,00,000 है। ओके, तो ये क्या समझ में आपको, मैंने प्रॉपर इसी वीडियो में, आप इसको जब वॉच करके इसको यहाँ पे देखेंगे ना, ये कल का ही वीडियो है, मतलब आप यहाँ पे ये वाला वीडियो 9th दिसंबर के लिए आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने बोला था और क्या हो रहा है। क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट नीचे जाने लगे और वहां पे पुट का ओआई घटने लगे, यानी पुट में शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाए, तो आपको ये समझना है कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट। ओके, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, इनको नोट करिए। देखो एक बार आपके सामने ऐसा हो जाएगा आप बोलोगे सर मिस हो गया, यस मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको नोट करके फिर आगे जब भी ऐसा हो तो आप उसको यूज करिए और ट्रेड करिए, तो इससे क्या होगा धीरे धीरे आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी और आप एक सही तरीके से अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस यही हेल्प कर सकता हूँ, इससे मैं क्या करूंगा आपका। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसको पॉइंट रखिए। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ, सी ये जो नए लोग हैं ना उनको बताने का फायदा ये है कि उनको समझ में आएगा कि डेटा किस तरीके से काम करता है, वरना क्या होता है चार्ट भी तो ठीक है, चार्ट सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, बट डेटा को हमें देखना चाहिए क्योंकि चार्ट भी तो गलत हो सकता है, तो वहाँ पे डेटा हमें देखना चाहिए। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। अब मैं इसको बंद करता हूँ और प्रॉपर आता हूँ अपने वीकली एनालिसिस के फॉर्मेट पे। सबसे पहले अगर मैं डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे अब के हिसाब से जो डेटा बन रहा है वो 18,500 का जो सपोर्ट मुझे दिखाई देता था, अब वो सपोर्ट थोड़ा सा वहां पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, बट
अब कहां पे जाएंगे, तो अगला जो रजिस्टर सपोर्ट है हमारा 18,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 18,000 नहीं टूटने वाला इस पूरे ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि आपका वीकली वाला, ये मान के चलिए। ओके, अब बोलोगे सर जी 18,400 पे बैठे हैं, 500 पॉइंट नीचे आप बोल रहे हो, क्या मार्केट 500 पॉइंट नीचे आ जाएगा? यस, आ सकता है, 500 पॉइंट नीचे आ सकता है, बट पॉइंट है कि वो 18,000 का नहीं तोड़ेगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तो अब 18,000 को लेकर के सेफ हो जाइए। अब आगे फिर मार्केट बाउंस पे कहां से कर सकता है, तो वहीं पे क्या है, आगे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता दिखाएगा जो अभी नहीं बन रहा है। 18,200 पे देखिए थोड़ा बहुत बिल्डअप हो रहा है, 300 पे हो रहा है, लेकिन 500 पे अभी भी सबसे ज्यादा वाई बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें क्या 500 क्रॉस करेगा, तो 500 को क्रॉस करने के लिए मैं देखूं यहाँ पे देखिए 81 लाख का पुट में ओआई है और कॉल में ओआई है आपका 79 लाख का। ओके, 79 लाख का कॉल में ओआई, तो अभी भी जो पुट में ओआई है वो ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से ये निकल जाएंगे अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाएगा तो ये लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं 18,500 से 18,000 वाली रेंज में आ जाएगा, आप इसको थोड़ा मान के चलिए। तो अब मैं अगले वीक के लिए यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं डेटा निकालना चाहूँ तो 18,000 का मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 18,500 का रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर 18,500 का रेजिस्टेंस तोड़ गया तो 18,600, तो इसके लिए तोड़ना मुश्किल वाली बात होगी। तो 18,000 से 18,600 ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे मिल रहा है रेंज, 600 पॉइंट की यहाँ पे रेंज मिल रही है। अब सेंटिमेंट क्या है, रेंज तो मिल गई, अब बोलोगे सर जी इतनी बड़ी रेंज क्यों है? यस, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो अगले वीक में जो न्यूज का फ्लो है वो काफी स्ट्रांग है। 14 तारीख को 14th को आपका वहाँ की फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, फिर आपका वहाँ के सीपीआई डेटा आने वाले हैं, इन्फ्लेशन आने वाला है, तो ये सब चीजें क्या होगी कि आपको वो सब चीजें इंपैक्ट करेंगी आपके मार्केट को। तो वो 200-300 पॉइंट नॉर्मल इसके लिए है, तो आप उसको प्रिपेयर रखिएगा। तो अगला वीक जो होगा वो काफी आपका वोलेटाइल रहेगा, प्लस मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा। वोलेटाइल रहेगा मतलब इन शॉर्ट बहुत बड़ी रेंज नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देखने को मिलेगा, बट इधर उधर उठापटक होती रहेगी। अब वो सब क्यों, क्योंकि न्यूज का फ्लो है, प्लस डेटा भी आप देखिए तो 600 पॉइंट की रेंज है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इधर उधर 200-300 पॉइंट घूमता फिरता रहेगा। इसी के साथ मैं आपको साथ एक शेयर करना चाहता हूँ अच्छी सी वेबसाइट जिसको आप यूज करिए, जो लोग नए हैं इनको नहीं पता है कि सर जी डेटा कहाँ से देखूं, चीजों को कैसे समझें। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर चीजें लिखी होती है, आप जब इनको फॉलो करोगे तो एक दो महीने में आप खुद ही थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे, ये बात रखिए। वेबसाइट है tradingeconomics.com, इसकी वेबसाइट पे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे काफी चीजें रहती हैं, आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे रेट जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल क्या इंडेक्स चल रहा है, इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो, काफी अच्छी वेबसाइट है। ओके, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, यहाँ पे देखिए जो भी कंट्रीज के डेटा होते हैं, क्या क्या उनका डेटा है, क्या उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उनके यहाँ पे क्या डेट टू जीडीपी रेशियो, ये सब चीजें क्या होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं भी यहीं से चीजें ट्रैक करता हूँ अगर मुझे कुछ ऑथेंटिक चीजें चाहिए होती है तो। ओके, ये बात ध्यान रखिए, तो आप इस वेबसाइट का यूज करिए, काफी अच्छा है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ये इसमें बुकमार्क में बना हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई रेंज हमारी क्या है, 18,000 से 18,600 की रेंज है। अब हम आगे देखते हैं कि मार्केट में चार्ट क्या बोल रहा है। ओके, वीकली एनालिसिस के लिए चार्ट क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको पता है मैं वीकली पे, तो वीकली चार्ट ओपन करते हैं। अब अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट जिसके ऊपर अभी भी मार्केट टिका हुआ है। ओके, वो सपोर्ट है मेरा ये वाला, काफी बड़ी रेंज है, आप इसको समझिए क्योंकि वीकली का चार्ट है तो बड़ी रेंज होगी। तो 376 से 18376 से लेकर के 210 तक जो रेंज है वो एक मेरा सपोर्ट का रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेंज है। इसमें हो सकता है एक्युमुलेशन चालू हो जाए, फिर से मार्केट बाउंस बैक कर जाए, बट वो देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा फिर से बाउंस बैक चालू होगा तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, प्लस प्री मार्केट में पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए आप समझिए कि आपका ये एक बन सकता है वीकली के बेसिस पे। ओके, ये बात याद रखिए, क्यों, क्योंकि एक डिमांड जोन थोड़ा सा बन रखा है यहाँ पे वीकली वाला। अगर ये टूटेगा 210, जब तक 210 नहीं टूटता तब मैं मार्केट में फर्दर बेरिश नहीं हो जाऊंगा। ओके, तो 210 टूटने दो, फिर इसके बाद हम फर्दर बेरिश होंगे। तो मार्केट में अभी चार्ट के हिसाब से मुझे क्या मिला है, 18,210, और ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा के हिसाब से मिला था 18,000 का। तो 18,000 से लेकर के 18,200 आप इसको समझिए कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का डेटा प्लस चार्ट के बेस पे काम करेगा, तो आप इस रेंज में प्ले कर सकते हो। अब सेंटिमेंट क्या है, तो सेंटिमेंट देखिए नेगेटिव है।
अब बोलोगे सर जी डेटा तो हमें पता चल गया, रजिस्टर तो आपको सीधे सीधे वही 18,600 पता है, बट अगर मैं देखूं सेंटिमेंट क्या है तो अगले वीक के लिए जो सेंटिमेंट मेरा है वो नेगेटिव ही है। सेंटिमेंट नेगेटिव होने का कारण यह है डेटा का नेगेटिव होना। अब मैं फ्यूचर वाई के बेस पे करना चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,26,68,000 है, अभी यहाँ पे देखिए 1,29,00,000 हो गया, तो 129 मतलब ऑलमोस्ट ये ओआई बढ़ गया है और यहाँ पे प्राइस देखिए डाउन गई है, तो प्राइस डाउन ओआई अप दैट मीन शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो शॉर्ट बिल्टअप मतलब फ्यूचर का इंडेक्स का यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेटा में दिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्राइस डाउन हुई है ओआई बढ़ा है, इसका मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो शॉर्ट बिल्टअप का एक जो सेंटिमेंट होता है वो नेगेटिव सेंटिमेंट होता है। ऑप्शन चैन में अगर हम देखें तो ऊपर काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे सपोर्ट थोड़े बहुत है, मतलब रेंज बीच में यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं सेंटिमेंट आपका निकाल रहा हूँ नेगेटिव। तो सेंटिमेंट नेगेटिव, रेंज आपको मिल गई, आप इसी हिसाब से प्ले करिए। आप बोलोगे सर जी हम प्ले कैसे करेंगे, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज प्ले करिए। प्लस इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए अगले वीक में न्यूज का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आप डेटा को थोड़ा साइड में रखिए, चार्ट क्या बोल रहा है उस पर यूज करिए। और यहाँ पे मैंने जो प्री मार्केट वाला वीडियो था वहां पे मैंने डिस्कस किया था, प्रॉपर बोला था कि आप डेटा को थोड़ा साइड में रखिए, चार्ट को यूज करिए, चार्ट क्या बोल रहा है उसके बेस पर ट्रेड करिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और चार्ट ने नेगेटिव बोला था और डेटा भी नेगेटिव था, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और खूबसूरत आपको मूवमेंट मिली। इसी के साथ साथ अब मैं थोड़ा सा डेली बेसिस पे चलता हूँ, डेली में देखते हैं कहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वीकली वाला तो हमने देख लिया। डेली के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, समझिए यहाँ पे, तो डेली के हिसाब से जो मुझे सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट है आपका 140 का, ये छोटा सा, ओके 140 का मुझे सपोर्ट मिला है। तो वो आपको पता है 210 और 140, तो मतलब ये एक डेली के हिसाब से रेंज है, बट अभी मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि क्या टूटने से मैं एकदम बेरिश हो जाऊंगा, एकदम बेरिश हो जाऊंगा। अब मैं फ्रेश बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये 40 जो कि मेरा 4 घंटे का आपका टाइम फ्रेम है, मैं 4 घंटे का ज्यादा यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने फाइनल और एक्यूरेट लेवल पे, यह है जो कि शुरू हो रहा है 340, ओके। जब मार्केट 18,340 इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा, तो मैं एक बार फिर से बाई का ही ट्राई करूंगा, यहाँ पे बाई का ही ट्राई करूंगा। बट अगर मार्केट 240, ये 18,240 आपने 210 देखा था वहां पे वीकली वाले में, और यहाँ पे 240 निकल के आ रहा है, तो मेरा वाला जो रेंज होगा वो 240 का रेंज होगा। तो अगर मार्केट 18,240 के नीचे गया तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, तो फिर सीधे सीधे फिर हम देखेंगे कि मतलब सेलिंग कहाँ से मिले, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, वहां पे हम सेल करेंगे। देन उसके बाद जब तक ये टर्न नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक हम सेल ही करते रहेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा जहां से भी ट्रेंड चेंज होगा, वीकली एनालिसिस पे आगे आने वाला है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक वीक में कितना ही कुछ हो सकता है, आप समझ रहे हैं, बहुत 600 पॉइंट की रेंज तो हमने निकाल ली, ओके। तो 600 पॉइंट इधर उधर मार्केट हो सकता है, बट इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो एक क्या होता है कि फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगले वीक में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जब हम अगले वीक वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि क्या डेटा बना, किस तरीके से हमें और आगे चलना चाहिए। तो फर्दर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो 18,240 की रेंज है उसके नीचे मार्केट अगर गया, ओके उसके नीचे अगर मार्केट गया तो मैं एकदम बेरिश हो जाऊंगा, मतलब बेरिश इन द सेंस कि मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा, सेल शॉर्ट सेल करूंगा, ये सब चीज़ आप याद रखिए, ओके। बाय द वे मैं सेल यहीं से आपको करवा रहा हूँ, आप लोग अगर प्री मार्केट वाला वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो ये रही आपकी वीकली एनालिसिस वीडियो, रेंज अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ। देखिए सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट आपका नेगेटिव रहेगा, रेंज आपकी 600 पॉइंट की, 18,000 का सपोर्ट और ऊपर की तरफ 18,600 का रेजिस्टेंस, ये आप समझिए। मेरा जो सपोर्ट है वो डेटा के हिसाब से मैंने बताया 18,000 का, क्योंकि ऑप्शन चेन में आपको 18,000 का दिख रहा है, बट मेरा वाला जो सपोर्ट है वो है 18,240 का। तो ये आपका सपोर्ट मान लीजिए, ओके। रेजिस्टेंस आपका 18,600 रहेगा ही, सेंटिमेंट आपका नेगेटिव है, और जो एक तरीके से मैं समझूं क्या मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, तो छोटी छोटी रेंज में आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, और आपको चार्ट पे बेस ट्रेड करना है। और आगे आप डेटा को देख रहे हैं तो आप और कोई अपना डेटा यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर को इस्तेमाल मत करिए अगले वीक में, क्योंकि इंडिकेटर आपके गलत सिग्नल दे देंगे। सो आप अगर इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग करते हो तो आप उसको यूज मत करिए, प्राइस स्टेशन यूज करिए, चार्ट को यूज करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके अगर कोई क्वेरी हो, या फिर आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो और मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 20 दिसंबर से आई थिंक कोर्स चालू होने वाला है, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अनाउंस करूंगा। तो आप इसी महीने 20 दिसंबर से मेरा कोर्स चालू हो रहा है और उसको आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको यूज़ करिएगा, देखिएगा और सही लगे तो ज्वाइन करिएगा। और अगर इसके बावजूद भी आप किसी भी ब्रोकर के पास ट्रेड करते हो, कोई भी डाउट हो रहा है मार्केट में, कोई भी पोजिशन आपकी बनी हुई है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, मैं या फिर मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।